हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुबोध कुमार मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूं अगला वीडियो लेकर। पिछले क्लास में हम लोग भारत की मिट्टी को पढ़ रहे थे, तो मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी की परिभाषा जो मैं कल बताया था, उसके बाद मिट्टी की उत्पत्ति यानी सॉयल का जो जेनेसिस है उस पर हम लोग चर्चा किए थे। अभी मैं सॉयल का क्लासिफिकेशन यानी मिट्टी का वर्गीकरण, जैसे हम मिट्टी का जो वर्गीकरण करते हैं उसके क्या आधार हैं, और फिर भारत में मिट्टी के जो विभिन्न प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उसकी चर्चा होगी। अभी सबसे पहले मिट्टी का वर्गीकरण। अब देखिए कि मिट्टी के वर्गीकरण के कई आधार हैं। जैसे हम सॉयल को जो क्लासिफाई करते हैं, इसके कई आधार हैं, बेस हैं। अब इस आधार में सबसे पहले आप आ जाइए रंग के आधार पर। जैसे हम मिट्टी को वर्गीकृत करते हैं, तो वर्गीकरण में यह बताना पड़ेगा, आपको यह जानना पड़ेगा कि आप जो वर्गीकरण किए हैं या जो वर्गीकरण है उसमें किस आधार को अपनाया गया है, किस बेस पर किया गया है। तो मिट्टी वर्गीकरण का पहला आधार है रंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ सॉयल। जैसे मिट्टी के वर्गीकरण का एक आधार है रंग। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न भागों में अलग अलग रंग की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कहीं काली मिट्टी आप देखते होंगे भारत में भी, कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं धूसर होती है। तो मिट्टी के रंग अलग अलग होते हैं। अब जैसे रंग के आधार पर अगर मिट्टी को वर्गीकृत किया जाए तो कौन कौन सा टाइप्स होगा, जैसे लाल, पीली, काली, धूसर इत्यादि। अब देखिए रंग के कारण होते हैं, रंग यूं नहीं होता है। जैसे मिट्टी का जो लाल रंग होता है, तो जब आयरन ऑक्साइड युक्त चट्टान का विघटन वियोजन होगा तो उससे जो मिट्टी बनेगी उसका रंग लाल होगा। अब रही बात पीली मिट्टी की, तो पीली मिट्टी यानी पीला कलर जो होता है, येलो कलर जो सॉयल का होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जब कम होती है, जैसे लाल मिट्टी में ही जहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो वहां पर कलर रेड से येलो की तरफ टर्न कर जाता है। उसके बाद काली मिट्टी है, काला रंग होता है। अब देखिए कि काली मिट्टी, जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में काली रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो उसका काला रंग टाइटेनियम सॉल्ट की अधिकता के कारण है, ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट सॉइल। टाइटेनियम सॉल्ट एक प्रकार का नमक है, लेकिन आप जब दुनिया में विश्व की मिट्टी में काली मिट्टी की चर्चा करेंगे, जैसे विश्व में एक प्रसिद्ध काली मिट्टी है चेर्नोजेम, चेर्नोजेम का शाब्दिक अर्थ ही होता है काली मिट्टी, समझ रहे ना। चेर्नोजेम रूस हो गया, आप अगर नॉर्थ अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पॉडजोल सॉयल है, तो वो भी काली मिट्टी से मिलती जुलती है। फिर एशिया में भी यूरेशिया के क्षेत्र में चेस्टनट सॉयल है, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये जो चेर्नोजेम का जो काला रंग है उसका वजह है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन दैट सॉयल, ह्यूमस की अधिकता के कारण। अब देखिए कि यदि हम रंग के आधार पर मिट्टी को वर्गीकृत कर देंगे, भारत की मिट्टी को वर्गीकृत कर देंगे या दुनिया की किसी भी भाग की मिट्टी की का वर्गीकरण कर देंगे, तो हमारी जानकारी सही नहीं होगी, मिट्टी के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रंग के लिए अलग अलग कारण जिम्मेवार होते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें टाइटेनियम सॉल्ट की अधिकता है, इसीलिए उसका रंग काला हो गया है। लेकिन चेर्नोजेम सॉयल भी काली मिट्टी है,
लेकिन उसका रंग टाइटेनियम सॉल्ट के कारण नहीं है, बल्कि ह्यूमस की अधिकता के कारण है। इसीलिए यदि आप विशुद्ध रंग के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे तो ये आपका वर्गीकरण सही नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? अब मिट्टी वर्गीकरण का दूसरा आधार है उर्वरा शक्ति के आधार पर, उर्वरा शक्ति के आधार पर, उर्वरा शक्ति के आधार पर अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए मिट्टी को उर्वरा शक्ति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण का यह भी एक आधार है। वैसे अलग बात है कि इसका यूज नहीं होता है। अब जैसे उर्वरा शक्ति के आधार पर मिट्टी को दो कैटेगरी में रखा जाता है, उर्वर अनुर्वर। अब कोई भी मिट्टी उर्वर होगी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अनुर्वर के भी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि उर्वरा शक्ति के आधार पर मिट्टी वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास यूनानियों के द्वारा, ग्रीक के लोगों के द्वारा किया गया। यानी माना जाता है कि ग्रीक के लोगों ने पास्ट टाइम में, प्राचीन काल में, मिट्टी को उर्वर अनुर्वर दो कैटेगरी में रखा, अर्थात जिसमें हम खेती करते हैं दैट इज फर्टाइल सॉइल यानी उर्वर मिट्टी, और जिसमें खेती नहीं होगी वो इनफर्टाइल सॉइल। तो ये दूसरा आधार हो गया। मिट्टी के वर्गीकरण का तीसरा आधार है रासायनिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी को वर्गीकृत किया जाता है, यह वर्गीकरण का तीसरा आधार है। अब देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी को दो कैटेगरी में रखा जाता है, पहला अम्लीय मिट्टी और दूसरा क्षारीय मिट्टी। इसको एसिडिक सॉइल कहेंगे और इसको बेसिक सॉइल कहेंगे। अब देखिए अम्लीय मिट्टी किसको कहेंगे, एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अम्लीय मिट्टी किसको कहेंगे, ऐसी मिट्टी जिसमें चूना नहीं हो वो अम्लीय होगा। अब इससे देखिए आप इसको जब समझ लेंगे तो आसानी से आप और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो अम्लीय मिट्टी कहां पाई जाएगी, तो चूना घुलनशील होता है, आप जानते हैं कि चूना घुलनशील होता है, तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां की मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी। समझ रहे हैं बात को? यानी वर्षा वाले भागों में, अधिक वर्षा वाले भागों में जो मिट्टी पाई जाती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर की होती है। समझ रहे बात को? और दूसरा क्षारीय मिट्टी किसको कहेंगे, जिसमें चूना हो, प्रचुर मात्रा में चूना हो। समझ रहे बात को? तब चूना कहां होगा, जहां वर्षा नहीं होती है, अर्थात शुष्क भागों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में, संसार के जितने भी एरिड और सेमी एरिड रीजन है जहां पर वर्षा कम होती है या नहीं होती है, इन क्षेत्रों में क्षारीय किस्म की मिट्टी पाई जाती है, बेसिक नेचर की मिट्टी पाई जाती है। जैसे भारत की भी बात कीजिएगा तो राजस्थान के भागों में, भारत के वैसे भाग जहां पर वर्षा नहीं होती है, कम होती है, क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। और वर्षा कहां ज्यादा होती है, जैसे केरला साइड हो गया, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम, उसके आसपास के भागों में, तो वहां पर पाई जाएगी अम्लीय मिट्टी। समझ रहे बात को? अब देखिए इसमें एक चीज और जानना है कि अम्लीय मिट्टी को पेडाल फर भी कहा जाता है। अम्लीय मिट्टी को पेडाल फर भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, अम्लीय मिट्टी इसको क्या कहा जाता है, पेडाल
फर, पेडाल फर। अब देखिए पेडाल फर क्या हुआ, पेड प्लस एल प्लस एफ आर, पेड का मतलब सॉइल आ एल स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम आ प्लस एफ आर फेरस, अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम और लोहा होता है उसे हम पेडालफर मिट्टी कहेंगे। अब दूसरा क्षारीय मिट्टी है, दूसरा है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को पेडोकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेडोकल। पेडोकल क्या हुआ, पेडोकल। अब देखिए पेडोकल बना है पेड प्लस कल, पेड का अर्थ क्या हुआ सॉइल, आ कल का अर्थ हुआ कैल्शियम। समझ में आ रही बात, तो क्षारीय मिट्टी को पेडोकल कहा जाता है, समझ रहे बात को। अब देखिए मिट्टी वर्गीकरण का चौथा आधार है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भारत के केस में ज्यादा एप्लीकेबल है, समझ रहे बात को। मिट्टी वर्गीकरण का जो अगला आधार है यानी चौथा आधार है वो है कणों के गठन। यहां गठन शब्द को अंग्रेजी में टेक्सचर कहा जाएगा, टेक्सचर, कणों के गठन के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर, जैसे आप कोई भी मिट्टी है उस मिट्टी को अगर आप देखेंगे हाथ में लेकर, आप इस नतीजे पर आएंगे कि वो मिट्टी उसमें बड़ी कण हो सकती है या सूक्ष्म कण हो सकती है या मध्यम आकार के कण हो सकते हैं, समझ रहे ना। तो अब कोई भी मिट्टी है उसमें कणों का आकार क्या है, साइज क्या है, तो उसके आधार पर जो हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं दैट इज टर्म्ड एज टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर, टी ई एक्स टी यू आर ई, समझ रहे ना। टेक्सचर को हिंदी में गठन कहेंगे। तो कणों के गठन के आधार पर मिट्टी को तीन कैटेगरी में रखा जाता है, मेरी बात समझ में आ रही है। कणों के गठन के आधार पर मिट्टी को तीन वर्गों में रखा जाता है, कौन कौन, तो पहला बड़ी कणों वाली, बड़ी कणों वाली इसको कहेंगे कोर्स पार्टिकल सॉइल, बड़ी कणों वाली या बलुई मिट्टी। बड़ी कणों वाली मिट्टी को हम बलुई मिट्टी कहेंगे। इसको अंग्रेजी में अगर लिखिएगा तो कोर्स, सी ओ लिख ही देता हूं अच्छा रहेगा, ए आर एस ई, कोर्स पार्टिकल्स, या इसको हम सैंडी सॉइल भी कहेंगे। दूसरा मध्यम कणों वाली या सिल्टी मिट्टी, समझ में आ रही है बात। दूसरा है मध्यम कणों वाली मिट्टी या सिल्टी मिट्टी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मीडियम, मीडियम मीडियम साइज पार्टिकल्स और सिल्टी सॉइल। बीपीएससी एग्जाम में अक्सर ये सिल्टी शब्द पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर ये सिल्टी शब्द पूछा जाता है।
सिल्ट को पानसू भी हिंदी में कहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं याद रहेगा, आप सिल्ट ही याद रखिए। और तीसरा, तीसरा महीन कणों वाली या चिकनी मिट्टी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फाइन पार्टिकल्स और क्ले सॉइल, क्ले CLAYEY, क्ले सॉइल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल इट इज कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स, यानी मिट्टी के कणों के आधार पर या कणों के गठन के आधार पर मिट्टी को तीन वर्गों में रखा जाता है। पहला बलुई मिट्टी या बड़ी कणों वाली मिट्टी, इसको कोर्स पार्टिकल सॉइल कहेंगे। अब देखिए बड़ी कणों वाली मिट्टी की बात करते हैं, इसके कण बड़े होते हैं, जैसे आप बालू देखते हैं कण बड़े होते हैं, तो कण बड़ा होगा तो सॉइल के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा या मिट्टी भुरभुरी होगी, स्पेस ज़्यादा होगा यानी छिद्रदार होगी, पोरस होगी। आप इसमें अगर बालू में पानी दीजिएगा तो पानी ऊपर रहेगा, नीचे लुढ़क जाएगा। अब इस पर खेती की बात कीजिए, आप इसमें प्लांट लगाएंगे बालू में, पानी देंगे, प्लांट को पानी चाहिए, पानी दीजिएगा, सारा पानी नीचे लुढ़क जाएगा, फिर एक घंटा के बाद आपको पानी मांगेगा प्लांट, तो वहाँ दिन भर आदमी बैठा हुआ रहेगा पानी देने के लिए, समझ रहे बात को? तो इसमें खेती संभव नहीं है। जैसे मिट्टी में नमी को रखने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कि मिट्टी ना केवल पौधों को पोषक तत्व देती है, बल्कि मिट्टी का एक बड़ा काम है, ये पौधों को के जड़ों को जकड़े रहती है यानी सपोर्ट देती है। तब बालू में अगर प्लांट लगा हुआ रहेगा, एक हवा चलेगी गिर जाएगा, तब बलुई मिट्टी में खेती संभव नहीं है। दूसरा है मध्यम कणों वाली मिट्टी, इसमें भी अगर हम खेती की बात करेंगे, इसके कण उससे छोटे होते हैं, उससे छोटे होते हैं, इसमें भी खेती संभव नहीं हो पाएगा, ये भी खेती के लायक नहीं होती है। महीन कणों की बात कीजिएगा, इसके कण काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, फाइन होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि मिट्टी में स्पेस नहीं होता है, पोर्स नहीं होता है, छिद्र नहीं होता है। आप इस महीन कणों वाली अर्थात चिकनी मिट्टी में पानी डालिएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा, वेपराइज्ड होके ऊपर चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इसमें प्लांट लगाइएगा तो क्या होगा? अब देखिए प्लांट के रूट को मिट्टी में अंदर जाने के लिए छेद होना चाहिए, ताकि प्लांट अपने रूट को अंदर पेनिट्रेट कर सके, अंदर दे सके। चूंकि क्ले में चिकनी मिट्टी में छेद होगा ही नहीं, स्पेस नहीं होगा, तो प्लांट का रूट नीचे नहीं जा पाएगा, क्या होगा, सूख जाएगा प्लांट। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, चिकनी मिट्टी में आप एक प्लांट लगाइए, देखिए एक सप्ताह में सूख जाएगा प्लांट, समझ रहे बात को? इसमें भी खेती संभव नहीं है, तीनों में से किसी में खेती संभव नहीं है। अब देखिए कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई भी मिट्टी है उसमें ये तीनों, यानी बालू, सिल्ट और क्ले, तीनों अगर बराबर मात्रा में मिला हुआ रहे या मिला दिया जाए, तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो काफी उपजाऊ होगी। जैसे हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, अब ये हो गया बालू, सिल्ट और क्ले, तीनों बराबर मात्रा में मिला हुआ है, बालू, सिल्ट, क्ले तीनों बराबर मात्रा में मिला हुआ है, तो इससे जो मिट्टी तैयार होगी, इस मिट्टी को क्या कहेंगे? ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, बीपीएससी में भी ये ऑलरेडी पूछा गया था, और भी वन डे एग्जाम में, एसएससी रेलवे में भी इस तरह का सवाल कई बार पूछा गया है। जैसे ऐसा बना दिया जाए, आपको पूछा जाए कि व्हाट, ये कौन सी मिट्टी होगी, आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो अगर तीनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, या कोई भी ऐसी मिट्टी जिसमें तीनों कण बराबर मात्रा में मिले हुए हैं, इससे जो मिट्टी तैयार होगी उसको हम क्या कहेंगे? दोमट मिट्टी।
यानी अंग्रेजी में लोमी सॉयल कहेंगे, लोमी सॉयल यानी दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी हाईली फर्टाइल होती है, अत्यधिक उर्वर होती है, अत्यधिक उर्वर। अब भारत में है, भारत के उत्तरी भाग में जो ये गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, उत्तरी मैदान है, वो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार की दोमट मिट्टी है, इसीलिए काफ़ी उपजाऊ है। भारत का उत्तरी मैदानी भाग काफ़ी उर्वर क्षेत्र है, यहाँ पर खेती बाड़ी काफ़ी विकसित है, काफ़ी खेती बाड़ी होती है, वही जीविकोपार्जन के मुख्य साधन है। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोमट मिट्टी हो गई। अब देखिए कि इस दोमट मिट्टी को भी कई सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इसको फिर हम कई सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं? कि कोई भी मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होगी, बालू की मात्रा ज्यादा होगी। एक बात और कि दोमट मिट्टी में हर तरह के फसल उगाए जा सकते हैं, चावल गेहूं धान हर तरह के फसल उगाए जा सकते हैं, ज्वार बाजरा रागी मरुआ हर तरह के फसल, जितने भी फसल होते हैं, दलहन तिलहन सभी प्रकार के, तो इसके सब टाइप्स होते हैं। अब अगर मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होगी, मान लेते हैं बालू 50% है, रेस 25-25 है, तो ऐसी मिट्टी को कहेंगे बलुई दोमट यानी सेंडी लोम, है ना? इसको सब टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट। उसके बाद दूसरा सिल्टी दोमट, और तीसरा चिकनी दोमट। अब देखिए बलुई दोमट जो है, बालू का अंश ज्यादा होगा, इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, जैसे ज्वार बाजरा मकई रागी, है ना? उसके बाद इसमें तेलहन वगैरह की भी खेती की जा सकती है, दलहन की भी खेती की जा सकती है। समझ रहे बात को? सिल्टी दोमट होगी, इसी को हम कहेंगे माने हल्की दोमट मिट्टी कहा जाता है, लाइट लोमी सॉयल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भी क्ले नहीं होता है, क्ले कम भी नहीं होता है, बीच वाली होती है ना? तो सिल्टी दोमट, सिल्ट ज्यादा होगा इसमें और बालू और क्ले बराबर मात्रा में होगा। तो सिल्टी दोमट मिट्टी में जैसे गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। तीसरा होगा चिकनी दोमट मिट्टी, इसमें क्ले ज्यादा होगा, क्ले डोमिनेट करेगा, तो ऐसी मिट्टी काफी चिपचिपी होगी, लसदार होगी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो ये चिकनी दोमट मिट्टी में हम चावल की खेती करेंगे, बेस्ट सुइटेड मानी जाती है चिकनी दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए, फिर कपास की खेती के लिए, यानी ऐसे फसल जिसको ज्यादा पानी चाहिए वो तभी उसमें उगाया जा सकता है जब उस मिट्टी की ऐसी प्रकृति हो कि वो नमी को ज्यादा समय तक अपने अंदर होल्ड करके रख सके, तो ये चिकनी दोमट मिट्टी हो गई। तो इस प्रकार ये माने जो है तीन प्रकार के टाइप्स हो गए। उसके बाद अब देखिए कि मिट्टी के वर्गीकरण का पांचवा अंतिम और सबसे वैज्ञानिक आधार है, पांचवा अंतिम सबसे वैज्ञानिक आधार है, ये भारत चूंकि छोटा क्षेत्र है इसलिए भारत में जो मिट्टी का वर्गीकरण होता है इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग माने इसको भी अमल में लाया जा सकता है, जैसे दुनिया की मिट्टी वर्गीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे बात को? तो मिट्टी वर्गीकरण का जो पांचवा अंतिम आधार है, वैज्ञानिक आधार है, वो है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सॉइल प्रोफाइल। ये मृदा परिच्छेदिका को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए मिट्टी के वर्गीकरण का एक आधार है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल है। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होता है? ये सबसे वैज्ञानिक आधार है, सबसे वैज्ञानिक आधार है। समझ रहे बात को? अब परिच्छेदिका को थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप किसी भी मिट्टी को काटिएगा वर्टिकली, आप किसी भी मिट्टी को वर्टिकली आप काटेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लेयर्स पाए जाते हैं, उसमें लेयर्स पाए जाते हैं यानी परत। वैसे यहां अगर मृदा विज्ञान में परत शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, संस्तर कहते हैं,
होरिजन कहते हैं, होराइजन भी कह सकते हैं, समझ रहे ना, परत शब्द होते हैं, परत शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस आधार पर आप देखिए मिट्टी में चार परत होते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल प्रोफाइल, है ना, मिट्टी में चार परत होते हैं, सबसे ऊपर ए परत, बी परत, सी परत और डी परत। जैसे ए परत, बी परत, सी परत और डी परत, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। अब देखिए ए लेयर को कहा जाता है टॉप सॉइल, यानी हिंदी में कहेंगे ऊपरी मृदा, बी लेयर को कहा जाता है उप मृदा, सब सॉइल, सी लेयर को कहा जाता है अपक्षयित, अपक्षयित परत, यानी वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स लेयर, और डी को कहा जाता है आधारी, आधारी चट्टान, या आप इसको जनक चट्टान भी कह सकते हैं, इसको जनक चट्टान भी कह सकते हैं, समझ रहे बात को। ये चार लेयर होता है। अब टॉप सॉइल है, इसमें महीन कण होते हैं, पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं, फाइन पार्टिकल्स माने डिकेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड। इसी में हम प्लांट लगाते हैं, इसमें हम प्लांट लगाते हैं, है ना, इसमें प्लांट लगाते हैं। अब ये प्लांट अपना रूट को बढ़ाता है, बढ़ाकर कहाँ ले जाता है, बी लेयर में ले जाता है। बी लेयर में सारा मिनरल्स होता है, सारा पोषक तत्व होता है, ये पोषक तत्व बी लेयर से एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे बात को। उसके बाद सी लेयर क्या होता है, तो चट्टान का टूटा हुआ टुकड़ा, जिसको ग्ली लेयर भी कहा जाता है, जी एल ई आई, ग्ली, है ना, ग्ली लेयर भी कहा जाता है। और डी क्या हो गया, आधारित सॉइल या पैरेंट रॉक्स हो गया, चूंकि सॉइल इरोजन होगा, जैसे ये लेयर कटेगा, हटेगा, ये क्या करेगा, बी को कैप्चर कर लेगा, बी क्या करेगा, सी को कैप्चर कर लेगा, सी क्या करेगा, डी को कैप्चर कर लेगा। तो ये जो प्रक्रिया चलेगी, इसी को कहा जाता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मृदा निर्माणक प्रक्रिया या मृदा निर्माण प्रक्रिया, समझ रहे बात को। तो मिट्टी निर्माण सदैव सतत चलने वाली प्रक्रिया, यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ऐसा नहीं कि हजार दो सौ हजार साल में मिट्टी का निर्माण होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो अब देखिए कि ये जो प्रोफाइल, इसी को प्रोफाइल कहा जाता है, इसके आधार पर दुनिया की मिट्टी को, भारत में नहीं, दुनिया की मिट्टी को तीन वर्गों में रखा गया है, जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल, है ना। जोनल को कहेंगे सुअस्त्री मिट्टी, सु मने सुंदर, अस्त्री मने परत, जिसमें ये चारों लेयर होगा जोनल सॉइल। उसके बाद अंतः सुअस्त्री, अंतः मने बीच का, जिसमें चारों परत नहीं होगा, तीन होगा, एक एब्सेंट होगा या दो होगा, दो एब्सेंट होगा, उसको अंतः सुअस्त्री कहेंगे। और ए जोनल, जिसमें कोई लेयर नहीं हो, है ना, यानी कोई परत नहीं होगा, जैसे जलोढ़ मिट्टी, अभी भी मैं चर्चा किया था, भारत के उत्तरी भाग में जो उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, गंगा घाटी क्षेत्र में, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, इसको हम इस सॉइल प्रोफाइल के मान भाषा में, जो ये वैज्ञानिक आधार है मृदा वर्गीकरण का, इसको कहेंगे एजोनल सॉइल। ये सवाल कई बार इस तरह का बीपीएससी में पूछा जाता है कि उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एजोनल, ए मैंने नो, अजोनल मैंने जिसमें कोई लेयर नहीं हो, है ना, बिना परत वाली मिट्टी हो, क्योंकि ये मिट्टी प्रवाही मिट्टी है, बनी है कहीं और, जैसे हिमालय पर्वत पर, दक्षिणी पठार पर, और नदियां उस मिट्टी को काट छांट कर यहां लाके जमा कर दी, इसके नीचे जो पैरेंट रॉक्स है तो उससे इसका कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, इसके आधार पर दुनिया की मिट्टी को बांटा जाता है। अब है कि भारत की मिट्टी को जो वर्गीकृत किया गया है, तो भारत की मिट्टी को रंग, रंग को भी ध्यान में रखा गया है, रंग उर्वरा शक्ति को भी ध्यान में रखा गया है, उसके बाद फिर रासायनिक गुण को भी ध्यान में रखा गया है, उसके बाद फिर कणों के गठन, टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी ध्यान में रखा गया है, और मृदा परिच्छेद का। तो ये जो वर्गीकरण के जो पांचों आधार हैं, सबको ध्यान में रखते हुए भारत की मिट्टी को सात वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा, अभी मैं केवल नाम मौखिक बता देता हूं। पहली मिट्टी, भारत की मिट्टी को रंग, उर्वरा शक्ति, रासायनिक गुण, कणों के गठन तथा मृदा परिच्छेदिका के आधार पर सात वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला काली मिट्टी या लावा मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, तीनों नाम इसका हो गया। दूसरा लाल और पीली मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठा नमकीन या नमकीन मिट्टी, स्लाइन सॉइल, और सातवां अंतिम पर्वतीय मिट्टी। ठीक है,
इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इस भारत के मिट्टी का वर्गीकरण का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,